इच्छा कारण संगीत अभिंतरव्राय जानकी मध्य पानी विनयावी जमकी मध्य विनय परिणाम नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाधु एषु पञ्च नमोकारो सर्वभावप्रणाशं मङ्गलानं च सर्वेषिं परमं अवहि मङ्गलम् जय जगदीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानन्द जगनाह जगबंधु जय जगत्याण हो गय जय सुयाण प्रभु तीर्थयराण पश्चिम जय जय गुरुलोकाण जय सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधाना श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानते मिरांधानां ज्ञानं जनशलाकय नेत्रमुन्मीलितम् परमात्मा केवल ज्ञानी भगवंत ने उत्तराधीन सूत्र आगम शास्त्र के 33वें अध्ययन में अभी अभी हमको जो है जो हमने सुना है समझा है कम्म पैड़ी नाम का अध्ययन और इस कम्म पैड़ी अध्ययन के अंदर 8 कर्मों की विशेष संसार के समस्त जीव वे अपनी तरह से इन 8 कर्मों से ग्रस्त अब इधर देखिए इस चित्र के अंदर 8 कर्मों का अपना अपना सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है सब कर्मों का अलग अलग काम है हमारे शरीर में आँख ना कान हाथ पैर सब है सबका अपना अपना काम है आँख का काम कान नहीं कर सकता है कान का काम हाथ सभी कर्म अलग अलग है यहाँ पर
ज्ञानावरणीय का काम मोहनीय नहीं करेगा, मोहनीय का काम अंतराय नहीं करेगा, अंतराय का काम वेदनीय कर्म नहीं करता है, सब कर्म अलग है। अब आपको सीखना कितना है, मुख्य रूप में आठ कर्म और उनकी सब डिविजनल 158 प्रकृति, बस इतना आपको सीखना है। अब आप भले एक साल में सीखो, दो साल में सीखो, आप समझो बड़े आचार्य भगवंतों को चौमासा लाओ फिर विनती करना कि साहब इतना तो सिखा दो। बेसिक है कर्म फिलोसॉफी, क्यों सीखना है, दुनिया के सब धर्मों से जैन धर्म के कर्म की थ्योरी टोटली स्वतंत्र अलग है, बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी भी धर्म के साथ मिलनी नहीं, और दुनिया के किसी धर्म ने ऐसी कर्म फिलोसॉफी बताई। ऐसी कर्म फिलोसॉफी बताने के लिए केवल ज्ञान अनिवार्य, बिना केवल ज्ञान के दुनिया के कोई भी ऐसे नहीं बता सकते, ये बात भी इतनी निश्चित। अब जिसको केवल ज्ञान नहीं हुआ है वो कहां से जानेंगे, एक तो आत्मा को देखना, आत्मा को जानना, आत्मा पर लगे हुए कर्मों को पहचानना, और फिर कर्मों के अंदर अवान्तर प्रकृतियों का देखना और उनके कार्यों को समझना, और एक एक कर्म प्रकृति कैसे बनती है, कैसे उदय में आती है, कितने टाइम सत्ता में रहेगी, कैसे कर्म काम करते हैं, ये सारा एक अद्भुत शास्त्र है, और इसलिए बिना केवल ज्ञान के संभव नहीं है। अगर दुनिया के अन्य अन्य भगवानों को किसी को भी केवल ज्ञान दर्शन होता तो वो जरूर कहते। देखिए इंसान शरीर से सब अलग अलग, सबकी आत्मा अलग है, आत्मा का स्वरूप गुणों से सबका एक सरीखा है, कर्म सबके अलग अलग, बाप का कर्म अलग, बेटे का कर्म अलग, पत्नी का कर्म अलग, भाई का कर्म अलग, क्यों अलग है, सबकी आत्मा अलग, सभी जीव अलग, संबंध मात्र संसार के रहने के लिए, संबंधों से किसी आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व का नाश नहीं हो जाता है, स्वतंत्र आत्मा सभी स्वतंत्र, चींटी मकोड़े में स्वतंत्र। आपको मनुष्य में अगर इतने वेरिएशंस दिखाई देते हैं तो आप चले जाओ तो सभी जीवों के अंदर वेरिएशन, और इस वेरिएशन के कारण है पूरा 7 लाख, 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख आपका है, ये जो सारी व्यवस्था बनी हुई है किसके कारण बनी, ये वेरिएशन किसका है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का, प्रत्येक वनस्पति काय में 10 लाख तरीकों से उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों के शरीर, आम से नीम अलग हो गया, नीम से आम अलग हो गया, आम से बबूल अलग हो गया, बबूल से नीम बिल्कुल ही अलग प्रकार का है, कोई कोई कुछ भी मिलता नहीं है, ये अलग पना तो है, ये तो समझ गए। अब आप आम की सब डिविजनल जातियों में जाइए, देर आर 350 टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैंगो इन द वर्ल्ड। आप कल बता रहे थे अफ्रीका के मैंगो, इंडिया के बलसार के और रत्नागिरी के और हापुस, आसमान जमीन का अंतर, तो क्या बोलता है, ऑल आर द मैंगोज, वर्ण गंध रस स्पर्श जो चेंजेस आना है इन चार बात में ही आना, ये आप बेसिक प्रिंसिपल हो गया। दुनिया के किसी भी स्पाइसेस में चले जाओगे द चेंजेस आर ओनली इन दिस 4 काइंड्स, मनुष्य में भी ये राजस्थानी मनुष्य गुजराती मनुष्य में फर्क किसका है, वर्ण गंध रस स्पर्श, फिजिकल स्ट्रक्चर इज टोटली डिफरेंट, तो क्यों होता है 14 लाख मनुष्य का वेरिएशन, इतनी जातियां मनुष्य की है, सब मनुष्य, दो हाथ आंख पांच नए कर्म करके पे मनुष्य, शरीर तो यही है ना, शरीर यही होते हुए भी जो फर्क है वो आसमान, और ये सब फर्क किसके कारण है, सिर्फ कर्म के कारण, जब कर्म नहीं है तो किसी प्रकार का अंतर नहीं है। आप मोक्ष में जाकर के देखो, आज जाके सिमंदर स्वामी को पूछो कि हे भगवान
મોક્ષની અંદર કેટલા જીવો છે? અનંત. અનંત સિદ્ધોમાં એક થી બીજામાં શું તફાવત છે? તો કે રદ્ધી ભર નહીં સર. ક્યો નહીં? ફરક કરને વાલા જો અંતર કારક ભેદ કા તત્વ થા વો કર્મ થા વો નહીં. આપકા ઓર મેરે મેં શરીર કા ફરક હૈ, વો શરીર વહાં હૈ હી નહીં, તો શરીર કા અંતર હી નહીં. બધું જ એક સરખો. એક પણ વસ્તુ તમે નામ બોલો એ અનંતનું એક સરખો. आप जो वो शब्द बोलोगे, जैसा शब्द बोलोगे, ईच एंड एवरीथिंग कॉमन फॉर ऑल. बात ये सीधे में कॉमन होता है, नहीं सभी में एक तरीका होगा. सब अरियंतों में एक चार गाते कर्म सबके क्षय होंगे, उसी हिसाब से सभी अरियंत बनेंगे. सबका तीर्थंकर नाम कर्म एक तरीका, कोई फर्क नहीं. सबके बारह गुण तो सभी के बारह, सबके अष्टप्राती आर्य तो सबके, सबके लिए देवी देवता आएंगे, तो कॉमन रूप में समोसन बनाए. अब फर्क इस बात का है, हाइट का है, साइज का है. आदेश्वर भगवान का शरीर ही 500 धनुष की काया थे, तो उनको बैठने में कितनी जगह जाएगी? ये हमारी इतनी बैठने की जगह उनको पूरी नहीं है, बैठ भी नहीं सकेंगे. बैठने जाओ तो जो है पैर की पालकी का डिस्टेंस तो बनेगा कि नहीं? शरीर है, शरीर के अंदर लेंथ एंड विड्थ एंड हाइट तीनों आएंगे, वेट आएगा, सब आएगा. तो उस समय पहले आर्य में देवता समोसन बनाए तो वो समोसन कितना बड़ा होगा, और लास्ट में 24 में महावीर स्वामी के लिए बनाए तो वो छोटा होगा. महावीर स्वामी की हाइट ही 7 फुट की है, तो वो ठीक है, इतने में बैठ जाएंगे. लेकिन तीन गढ़ होंगे, रजत का गढ़, सुवर्ण का गढ़ और रत्न जड़ित गढ़, फिर अशोक वृक्ष, देवदंड भी, चामर छत्र, उसमें कोई फर्क नहीं. कभी भी देवता एक भगवान से दूसरे भगवान के समावर्तन में 19-20 नहीं करते हैं, कम ज्यादा कुछ भी नहीं. और कम ज्यादा करने जाए तो उनको राजवेश. इधर भगवान से भी एक सरीखे है तो कम ज्यादा क्यों करें? और ये बात नहीं है, परमानेंट सिस्टम. जब जब तीसरा आ रहा आएगा, पहले भगवान होंगे तब समावर्तन, उसमें आपका वैसे. जब 10वें भगवान आएंगे, 15वें भगवान आएंगे, तो उस माप का समोसन वैसा होगा. और जब 24वें भगवान आएंगे तो सब जगह वैसा ही होगा. समोसन बनता कहा है? 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 माण. भगवान होते ही इतने थे 15 कर्मभूमि में. 15 ही जगह पर भगवान होते हैं, 15 ही जगह पर समोसन होंगे. महाविदेवा काका छेद त्या बदन एक सरका पणो. 5 ही 5 મહાવિદેવ. પહેલા સમજો, તમારી એક તકલીફ નું રોજ આવો નહીં, એક જ દાડો આવવાનું. અબ ઇસકે અંદર મહાવિદેવ મેં આરા કી સિસ્ટમ નહીં હૈ. આરા સિસ્ટમ નહીં હોને સે અવસર્પિણી નહીં, ઉત્સર્પિણી નહીં, 5વા આરા નહીં, 4થા આરા નહીં, 3રા આરા નહીં, બઢના નહીં, ઘટના કહીં, વો વ્યવસ્થા હી નહીં. तो ऑलवेज परमानेंट एक सरीखा, एक जैसा, एक ही चलेगा. अब ये हमारे यहाँ पर क्या तकलीफ है? 4था आरा बीत गया, अब 5वां आरा है. 5वें आरे में हाइट इतनी है, कल 6ठा आरा आएगा तब हाइट सारी आपकी फिर इतनी रह जाएगी. ये क्या है? इट शोज दैट रिडक्शन एंड ड्यू टू द डिसेंडिंग एरा ऑफ द टाइम. अब सर्पिणी काल के अंदर सब कुछ घटता 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 जाएगा, उस सर्पिणी काल में बढ़ता बढ़ता जाएगा. आरे के बाद आरे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और उधर क्या है? अब महाविद्या में आरा की व्यवस्था ही नहीं है, नहीं अब सर्पिणी, नहीं उस सर्पिणी, नहीं काल के खंड की व्यवस्था, सिर्फ दैनिक काल. दैनिक काल, दैनिक काल मतलब क्या हो गया? रोजे रोज नो सूर्योदय सूर्यास्त तारीख वार साथ बदलाया करे. क्यों बदलता है? सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा की गति वहां पर है. वही सूर्य महाविद्य में फर्क है, दोपहर को 12 बजे यहाँ आएगा, यही यहाँ से 12 बजे चल के रात को 12 बजे वहां जाएगा. तो निरंतर गति है, कॉन्स्टेंट एंड कंटिन्यू जो है, और वो भी अखंड धारा की गति है. एटला माटे 24 कलाक आपने ते व्रत क्षेत्र में जे थाय छे ए थाय. आप महाविद्या में जाओगे वहां पर भी 24 घंटे है, वो व्यवस्था यही रहेगी, कोई कम ज्यादा नहीं. आरा नहीं होगा, बस बात है. तो 24 कलाक दिवस रात नहीं था तो 24 कार्य करें,
सीवीआर क्यारे करे, नवकाशे क्यारे करे, सूर्योदय सूर्योस्त, तो ये व्यवस्था है। सवाल इसका नहीं है सर, जब आरा की व्यवस्था नहीं है तो जो व्यवस्था है वो परमानेंट। आरा की व्यवस्था नहीं होना ये भी परमानेंट, और वहां पर उस हिसाब से जब होंगे तो सिमंदर स्वामी खाली 500 धनुष के नहीं है, सभी भगवान 500 धनुष। सिमंदर स्वामी का 84 लाख पूर्व आयुष है, ऐसा नहीं, सभी भगवान के 84 लाख। अब ये वहां की व्यवस्था ही कॉमन व्यवस्था है, लेकिन फिर भी सब होते हुए ये 8 कर्म और 158 प्रकृति सब की अलग। तो वहां भी माँ बाप तो है, बेटे बेटी तो है, सास बहू तो है, वैवाहिक विवाह तो है, परिवार तो है, समाज तो है, ज्ञाति जाति तो है, ये व्यवस्था तो चलेगी कि नहीं? इसको काल से संबंध नहीं है, इसको कर्म से संबंध। पहला 1 महीना सुधी बद्दु आ क्लियर करी ले वो क्या कर्म व्यवस्था से क्या चलता है, काल व्यवस्था से क्या चलता है, और नेचर प्रकृति की प्राकृतिक व्यवस्था से क्या चलता है। हाउ मेनी थिंग्स आर हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनी, भवितव्यता से क्या होता है, और 5वें नंबर पर आपके पुरुषार्थ से क्या चलता है। ये पूरा जगत समझने के अंदर ये 5 समवायी कारण, लेकिन अब मेरे लिए तो 13 दिन बचे हैं सर। अबे तमे आवता वर्षे जे मोटा आश्चर्य मारा खावे त्यारे फरी थी सब। अभी हम याद यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक तरफ 7 कर्म, एक तरफ आयुष। ये जो समूह ग्रुप है यहाँ पर ये 7 का है, और एक तरफ ये जो है बिल्कुल अलग एक ही, इसके नियम अलग बने हुए हैं, इन 7 के नियम अलग बने। तो इन 7 कर्मों के कारण जगत की पूरी व्यवस्था चलेगी, पूरे जगत की व्यवस्था 8वें कर्मों से चलती है। अब आयुष्य का काम जो है वो नाम गोत्र का नहीं है, नाम गोत्र का जो आयुष्य वो आयुष्य का नहीं है। अंतराय कर्मनु काम फिक्स था, क्योंकि विघ्न कर्म सेम विघ्न कर्म, तो क्या आत्मा ने 5 शक्तियों दान लाभ भोग भोगने वेरी एमज विघ्न, ये इतना पूर्तु काम करे बस। मोहन ये कर्म 28 प्रकृतियों वालों तुम्हारा स्वभाव माटे छे, એટલે રાગ દ્વેષ ક્રોધ માન માયા લોભ ક્લેશ કસાય હસવું રડવું ભય બધું આ બધું એમાં આવી, સેક્સ્યુઅલ ડિઝાયર જે છે એમાં આવી ગઈ મોહન ये કર્મ ની અંદર, એટલે એનું કામ કરે। अब દર્શના વર્ણ્ય के 2 डिविजन कर दिए, 5 जो है आपकी इंद्रियों के फंक्शनिंग सिस्टम पर काम करेगी, देखना सुनना चखना ये सब है कि नहीं है। हमारे यहाँ पर संसार के 99% सब जीवों को मति श्रुत ज्ञान से ही जीवन व्यवहार चलने वाला है, नहीं तो चलेगा ही नहीं, कभी नहीं चलेगा। अब ये जो जिस प्रकार से चल रहा है जैसे भी हो रहा है, अब मति ये दर्शनावरणीय कर्म के 2 डिविजन, एक डिवीजन आपके नींद का है, नींद भी जीवन की एक आवश्यक शारीरिक क्रिया है, सोना भी तो है, आप 8 घंटे सोते हो, 8 घंटे खा नहीं सकते हो, 8 घंटे सो सकते हो, 8 घंटे खा नहीं, लेकिन 8 घंटे पढ़ सकते हो, 8 घंटे स्टडी कर सकते हो, तो ज्ञानावरण के अंदर ज्ञान की व्यवस्था है। अब बचा कौन है, सिर्फ एक आयु, जन्म थी लईने मृत्यु सुधी आ आत्मा ने आ शरीर में टकावी राखवानु काम आयुष्य, तमे लखवाना ही नथी हवे, तमे एक तो मोटा ट्रस्टी रहा है, इतने मोटो प्रश्न है। चलो आप लिखो, चेक चेवन मा जीव जेवो चेवन वक्ते गर्भ मा आवी गयो, गर्भ मा तमे जे शरीर बनावे छे वो शरीर बनावे, ये बनावे छे कौन, नाम कर्म, एनो काम शरीर बनावा, जे तमने गमे के ना गमे एनी साथे कोई संबंध नथी, बीजा ने तमारू शरीर गमे के ना गमे एनी साथे संबंध नथी, गमो अणगमो शरीर ની સાથે કઈ કામનો નથી,
और एक बार जो गर्भ में शरीर बन गया वो बन गया, यू हैव टू एक्सेप्ट इफ देयर इज नो एनी अदर अल्टरनेट। अब वो जीवन में बदलेगा नहीं, 100 साल में बदलेगा नहीं, मरोगे वहां तक शरीर नहीं बदलेगा। तमे को पसंद नहीं, पसंद हो के ना हो, तुम्हारे आ शरीर में जीवाणु छे, ये तुम्हारी पसंदगी ना पसंदगी बीजा बदन उकार चला है। आप सुबह सुबह आकर के 6:30-7 बजे देखो रास्ते के ऊपर जो मांगने वाले निकलते हैं उसके अंदर अलग अलग प्रकार के, दोनों पैर से खड़े भी नहीं होते, रेंगते हुए बेचारे चलते हैं, कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा। अब जन्म तो उन्होंने भी लिया है, माँ बाप ने ही जन्म लिया है, धरती पर तो आए हैं, अब अपने कर्म कितने भारी लेकर के आए। आप अगर बंगले में पैदा हुए हो, आप करोड़पति के घर में पैदा हुए, वो बेचारा रास्ते पर रहता हुआ कहीं से जूठा मिल जाए खा पी कर पेट भरता, ऐसी स्थिति के अंदर उसको जो अपना शरीर मिला है अब वो क्या करे, क्या करे। और जो कर्म आयुष्य भर के लिए है वो दूसरे कर्म है, लेकिन अब वो जीव ऐसे शरीर में पूरी जिंदगी बिताएगा, जीवन पूरा उसे। अब वो कितने वर्षों का होगा कुछ कह नहीं सकते। एक माँ बाप जो है बहुत विचार करते थे कि मारो दीकरो मेंटली रिटायर्ड है, छे साहब वेलो मरे तो हार, पर वे शू करिए साहब अमे जैन छे एटले आ बदा महाराजो के छे कर्म बंधाय एटले बीजू कई करी पण शकता नथी। અને હવે એની સેવા કરીને જિંદગી વિતાવી, એક બચ્ચા મેન્ટલી રિટાયર્ડ હો તો માં તો બંધ ગઈ ઉસકે સાથ, અબ કરેગા કોણ ઉસકા સાથ। ઐસી સ્થિતિ કે અંદર નહીં ચાહતે હુએ ભી અબ વો છોડ નહીં સકે, કોઈ ભવના પાપ કરેલા છે ત્યારે આજે ભોગવવું પડે, ને હવે ફરી નવા બાંધવા જાય નવા કરવા જાય તો શું હાલત, તો આ કેટલે જન્મ ભોગે और कितने जन्म। अभी आपने विपाक सूत्र के अंदर दृष्टांत सुना है, मृगा रानी एक माता होते हुए राज रानी होते हुए ऐसे बेटे को जन्म। अब मृगा पुत्र जो जन्मा है जैसा है माँ ने जन्म दिया है वो भी राजा का बेटा राजकुमार कहलाएगा, और माँ जानती है कि नहीं नहीं हमें नवा पाप नहीं करना, આ કરેલા પાપનું કર્મ ફલ ભોગવીએ છીએ ને હવે જો અક્કલ ના આવે ને ફરી કરતા જઈએ તો કેટલા ભવ ભોગવે, ક્યું કરના એસે કર્મ બાંધના હી ક્યું થા નહીં કરતા। લેકિન અબ વો ઉસકી આયુષ્ય લેકર આયા 23 વર્ષ તક વો જી રહા હૈ કાકા, 1 વર્ષના 360 દિવસ એનાય છે ને તમારાય છે, દિવસ બધાના સરખા હોય છે, કોઈના વધઘટ વધારે ઓછા તમે કરી શકતા નથી, उसको भी उसी हिसाब से जीवन जीना है, आपको आपके हिसाब से जीना है, आपका शरीर आपको आपके नाम कर्म के हिसाब से मिला है, उसने ने अपना शरीर अपने कर्म के हिसाब से बनाया। जब दूसरे कर्म सब इकट्ठे होकर के वैसा बन जाता है तो फिर कर्म से शरीर तो बनेगा ही बनेगा, और जब बन गया तो उस हिसाब से जीवन पूरा करो, अब आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन धर्म समझने वाली माँ जो है वो जानती है हवे फरी थी आ पंचेन्द्रिय जीव ने हिंसा करवानो पाप मारे नथी करवो, अब कार्या छे बांध्या छे माटे तो भोगवो छो, हवे वाली नव पाछू क्या करवा जो, परंतु करना क्या। अब आप नहीं कल्पना करोगे टोटली मेंटली रिटार्डेड बच्चे को वो अपना खुद का कुछ भी नहीं कर सकता है, बिकॉज ऑफ दैट अब मति ज्ञान की मेमोरी अंदर है ही नहीं, मति ज्ञाना वर्ण्य कर्म। लेकिन अब ऐसी स्थिति में उसका आयुष्य 54 वर्ष तक उसने अपना आयुष्य नेचुरल डेथ से जब मृत्यु हुई तब जाकर के शरीर छोड़ा। अब आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह से जैसा आयुष्य कर्म आपने अपने अंदर से लिया, अब ये इस आयुष्य कर्म का काम है साथ। अब इसका काम क्या है, आपने कहाँ से शुरू किया है, गर्भ प्रवेश से आपने शुरू किया है, तो ये यहाँ से आपका आयुष्य चला है। अब वो चलते 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 आपको है
अब आप स्थूल दृष्टि से मापना चाहते हो, ये 9.5 महीने अब जन्म 1 बरस 2 बरस 3 बरस बड़े रूप में मानना है, 10 20 30 40 50 60 में और बड़े रूप में मानना है, अब जिस तरह से कहाँ से आ रहा है, ये आयुष्य भी एक कर्म है, पहले ये आप स्वीकारिए। आयुष्य इट इज नॉट ओनली द लाइफ स्पैन विच यू आर लिविंग दैट, नहीं, लेकिन आयुष्य अपने आप में एक कर्म है और जिसके आधार पर आपका जीवन चल रहा है, आपका शरीर चल रहा है, आप इस शरीर के अंदर काम कर रहे हो। पहले ये देखो, शरीर के अंदर आप जीवन जी रहे हो तो कितना जिएंगे, कितने बरस जीना है, जितना बांध कर साथ में लेकर आए हो उतना जीना है, 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं जी सकेंगे, 1 मिनट भी नहीं जी सकेंगे, 1 मिनट बढ़ाने की बात भी संभव नहीं है। बात पूरी हो, जे जे आयुष्य ना विषय ना बेसिक प्रिंसिपल हो, थता हो गोठवाता हो लखी ले जो, एटले तमने परमानेंट नो ख्याल आवे, काल उठीने बीजी बात कोई नहीं साथे ना, कोई बीजो विषय कोई तीजो विषय लावी ने पर ये नियम ने तोड़ो एम ना बने, बस आयुष्य नहीं बढ़ेगा ये बात फिक्स हो गई सबके लिए, आपके लिए नहीं भगवान के लिए भी यही नियम है, अन्य प्राणियों के लिए भी यही नियम है, ऋषि मुनियों के लिए दुनिया में सबके लिए एक ही नियम है, कोई भी अपना रनिंग आयुष्य 1 मिनट भी 1 सेकंड भी बढ़ा नहीं सकता। आजे जईने महाविधिमा सिमंदर स्वामी ने विनती करो के साहब थोड़ू तो बधारी दो, सिमंदर स्वामी साफ ना कहते भाई 1 मिनट भी नहीं बढ़ा सकता, पछी तमे हमने आज पहला आगे जानो कि मैं जागे रहे तो पूरो हमरो अजे आज चालू करे रियो विषय हमें कोई बात आ ले रही है। अब पहले आप ये समझना है यहाँ पर कि जो आयुष्य हमारा है, नियम पहला क्या होगा, बढ़ नहीं सकता है, बस 100 बात की। अब ये आप अगर 100 का लेकर आए हो तो 100 ही, अब ये 100 के ऊपर ही 1 सेकंड हो गई, ये 1 मिनट हो गई, 1 दिन हो गई, नहीं बढ़ेगा, बस बात इसकी है कि नहीं बढ़ना है, ये आपका नियम फिक्स हो गया। अब महावीर स्वामी भी नहीं बढ़ा सके, सिमंदर स्वामी भी नहीं बढ़ा सकते हैं, कोई तीर्थंकर नहीं बना सकते हैं, तो आपका मेरा कोई सवाल ही नहीं है। सवाल किस बात का है कि आयुष्य का काम क्या है बस, और ये आयुष्य हमारा चल रहा है किसके साथ चल रहा है, श्वासोश्वास के साथ। अंदर आयुष्य आपका किसका है, किसका कितना है, अंदर बांध करके कितना ले आए पता ही नहीं है, लेकिन वो चल रहा है, वो श्वास के साथ चल रहा है, तो श्वास आपकी अखंड हो गई, आयुष्य आपका अखंड चलना है। अखंड का मतलब क्या, श्वास लेने में एक क्षण का भी खंड गैप नहीं होना, जो रनिंग जीवन कॉन्स्टेंट कंटिन्यू धारा में चल रहा है साहब, आप उसके अंदर एक क्षण की भी रुकावट नहीं आ सकती। आप घड़ी देख करके 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड अगर श्वास न ली जाए तो क्या होगा, और श्वास न छूटे तब क्या होगा, जिनको अस्थमा होता है वो अनुभव करते हैं, जब वो रात को भी अस्थमा का अटैक बढ़ जाए और जब रहा न जाए, न सो सके न बैठ सके, तब अस्थमा वालों को श्वास नहीं लिया जा रहा है, तब उनको बस मृत्यु याद आती है कि हमना गया कि हमना गया, हमना ऊपरी गया कि हमना गया, लेकिन श्वासोश्वास का चलना और श्वासोश्वास में रोग होना, ये कौन सा है, ये है अशांत वेदनीय कर्म। अब ये आपके दमा का रोग बना है, ये श्वास चला रहा है और ये श्वास में ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, क्यों हो रहा है साहब, श्वास नली और पेट के साथ संबंध जो है, तो वहां से कफ बनकर के श्वास नली में बीच में बाधा बन रहा है। अब श्वास नली का होल जो है वो छिद्र कितने छोटे से mm का है, अब उसमें कफ जम जाएगा तो फिर सर्कुलेशन कैसे चलेगा, श्वास का आना जाना रुक जाएगा, तो बस उस समय छटपटाहट शुरू हो जाती है और हार्ट को ऑक्सीजन मिलने के अंदर एक आधी पाव सेकंड भी अगर कम हो गई समय जो फ्लो है उसमें,
तो फिर हार्ट के अंदर सीधा ही आपको अटैक आने का चांस। लेकिन ये सब कर्म अलग अलग है। अब आशाता वेदनी में एक ही कर्म नहीं है, इसके घर में आपके अनेक अलग अलग कर्म है और इसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां। अब अशाखा वेदनीय कर्म और वेदनीय कर्म उसके कारण उदय भोग, ये सारी स्टडी आप अगले साल बड़े आचार्य महाराज के पास करना। मैं अभी जो है आयुष्य आज चालू कर रहा हूँ, 12-13 दिन में पूरा हो जाए तो नसीब है, कोशिश करूँगा समझे कि नहीं, लेकिन क्या करूँगा। अब इसके साथ में आपको ये देखना है कि जीवन भर कॉन्स्टेंट कंटिन्यू अखंड और वो भी एक फ्लो में चलना, दरिया में भरती ने मोजा ऊंट जेम न चाले। दरिया में भरती जे आवे छे ने जे रीते पाछी वळे छे ओट, भरती ने ओट नी जेम जो चाले तो आपने जीवी ना सके। ये बिल्कुल कांस्टेंट और कंटिन्यू अखंड धारा में एक सरेगा। अब आप फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी करो, करो या ना करो, आप सोते रहो, जागते रहो, खाते रहो, पीते रहो, दौड़ते रहो, घूमते रहो, या आप जॉगिंग करो, वॉकिंग करो, व्हाटएवर इट में भी, उससे शरीर की क्रिया है वो, उस शरीर की क्रिया से आयुष्य का कोई लेना देना नहीं है। बस आपकी निरंतर अखंड श्वासोश्वास की प्रक्रिया चलती रहेगी। आप भले नींद में जाना है तो सो जाओ, कोई ना कहता है, 8 घंटे सोते रहो, 10 घंटे सोते रहो, 12 घंटे सो, छोटा बच्चा तो जन्मता है तो बाकी वो तो 16 घंटे तक सोता है, तो उससे क्या हो गया, वो सोता भी रहेगा तो सिस्टम उसकी सब चलेगी। अब ये है कि कर्म उसका अलग प्रकार का है। दर्शनावरणीय के अंदर ये है निद्रा का विभाग, एक डिवीजन उसके अंदर चल रहा है। तो आपकी नींद भी अलग अलग प्रकार की, जो भी हो, कुछ भी हो, कैसे भी सो, बच्चे को देखो कभी उल्टा कभी सीधा, कभी कैसे, उसकी नींद से मतलब है। अब जैसा पढ़ाए तो वैसे ही सो, उससे उसके श्वास को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, श्वसन क्रिया को कोई, वो अखंड धारा में चलती है, चलती रहे, अवरोध नहीं आना चाहिए, श्वास लेने में बिल्कुल अवरोध नहीं आना चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर आयुष्य का सीधा संबंध है श्वास, और इसलिए पहले कहा है कि श्वसन क्रिया को बहुत अच्छी तरह से अखंड धारा में चलाते रखो, और कुछ नहीं, आप श्वसन क्रिया के बीच में कफ ना आ जाए इसका ध्यान रखो। अब श्वास के अंदर आपका कफ बीच में ऑब्स्ट्रक्शन बनेगा तो तकलीफ होगी, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड जो है, और जाकर के दम से, इन ऐसे रोगों से बचिए ताकि वो श्वास में बाधा ना आए। और इसके लिए सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या है, हल्दी, सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक का काम करने वाली हल्दी, अजवाइन है, ये अपना तज है, लविंग है, इलायची है, दालचीनी जिसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें ये आपको कफ होने ना दे, कफ बढ़ने ना दे, श्वसन क्रिया को बिल्कुल रोके नहीं, ऐसी सुंदर चीज़ें। बस उसका सही ढंग से तरीका क्या होना चाहिए, उपयोग करने की रीत कौन सी होनी चाहिए। भूल से भी चाय में गरम मसाला डाल के मत पीना, नहीं तो 10 गुना नुकसान ज्यादा, ये गलती मत कर लेना सर। वैसे तो चाय ही नहीं पीना चाहिए, लेकिन अब हिंदुस्तान के अंदर आज जो जहर है वो भी जो है सोफिस्टिकेटेड हो गया है, बहुत अच्छी तरह से लोग चाय के लिए इतनी स्वागता करते, इतना आग्रह करते, नहीं 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 नहीं, अरे थोड़े आओ ने हमारा घरे चाय पीवा तो आओ, अरे भाई सुबह सबसे खतरनाक व्यवहार हो रहा है, भूले चुके बंद कर। अब ऐसी स्थिति के अंदर श्वसन क्रिया को बिल्कुल एकदम अखंड धारा में बहाने के लिए, लेकिन ध्यान रखना हल्दी घर में बनाई हुई होनी चाहिए। बाजार की हल्दी लाएंगे तो गेरू मिट्टी और उसमें कलर डाल करके आपको दे देंगे तो वो नुकसान आपका ज्यादा हो जाएगा। आखी हल्दी लाओ, घर के अंदर बनाओ, आखा दालचीनी का टुकड़ा ला करके घर में पाउडर बनाओ, और दो लविंग तो घर में आखे ही मिलेंगे आपको। बस इतनी दो चार चीज़ों का विवेक रखो, उपयोग करो तो अच्छा है।
दालचीनी आप दूध में डाल के पियोगे, हल्दी दूध में डाल के पियोगे तो आपको फायदा करेगी, चाय में डाल दिया तो नुकसान डबल करेगी। ये हेतु समझ में आना चाहिए। मतलब एक तो हो गई रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हो गई कि अब आयुष्य को अखंड धारा में कैसे, बाकी के सब रोग, हाथ पैर दुखेंगे तो चलेगा, सिर दुखेगा तो चलेगा, श्वास के बीच में अवरोध आएगा तो जीना मुश्किल, ये तकलीफ। और श्वास कहाँ से चालू होती है, जब से आयुष्य चालू होता है तब से। अब जीव यहाँ पर माता के गर्भ में प्रवेश करता है और उसी के साथ में जैसे ही फिजिकल स्ट्रक्चर शुरू होता है, पहले हार्ट और फिर ऑक्सीजन सप्लाई। अब महावीर स्वामी की भाषा में तो बिल्कुल दो घड़ी की बात बताई गई है। मॉडर्न साइंस के अंदर अभी ये बातें उनके अक्ल के बाहर की बात है कि वो इतना जल्दी कैसे इन्वेस्टिगेशन कर पाए, सोनोग्राफी इतनी हाई हो कि वो पहले दिन का पता चला सके, वो उनके इन साधनों के बाहर की बात। जब उनको दो तीन महीने बीतेंगे तब पता चलेगा, लेकिन तब तक तो शायद उसका आयुष्य पूरा भी। तो महावीर स्वामी तो केवल ज्ञान से कह रहे हैं कि ये जीव गर्भ में आया, अब एक बार पहले उसको 48 मिनट क्रॉस करने दो, 48 मिनट पूरी करने दो, बस बाद में दूसरी बात। एक बार 48 मिनट पूरी कर ली तो मत समझ लीजिए कि अपर्याप्त जीव नहीं, अबे पर्याप्त ही वालो जीव छे। 48 मिनट जो जी गया, अब वो आगे जो है अपना शरीर बनाते 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 आगे चल जाएगा। अब ना तो माँ को पता चलेगा, 48 मिनट का खेल तो किसी को भी समझ में नहीं आया, बिना केवल ज्ञान के कोई भी समझ ही नहीं सकता, संभावना नहीं। अब ऐसी स्थिति के अंदर अगर 48 मिनट के अंदर अंदर मृत्यु हो गई तो अपर्याप्त आयुष्य वालों। अब सिमंदर स्वामी को पूछा जाए कि हे भगवान, एवा पण जीवो होय छे खरा कि जे 48 मिनट पहला ज मरीने जता रहे छे, कारण कि एक वक्त जीव अहीं पग मूके गर्भमां आव्यो एटले मनुष्य गतिमां आवी गयो, 48 मिनट माटे मनुष्य बनी गयो, शरीर धारण कर्युं, हवे एनु जीवन जे छे प्रबल कक्षानुं होय अने जीवी जाय छे, बहुत मुश्किल है, बहुत। अब शास्त्र तो ये कह रहे हैं स्त्री पुरुष के संयोग संबंध में ही करोड़ों जीव मर जाते हैं। जब स्त्री पुरुष का शरीर संबंध होगा तो जो स्पर्म्स के जितने जीवाणु हैं सा वो तो मरेंगे ही मरेंगे। अब कोई एक विरला कोई बच जाए तो बच जाए, बाकी तो सब खेल खत्म हो गए। अब ये तो संसार के अंदर रोज ही चल रहा है। अब ये तो मेडिकल साइंस स्वीकार कर रही है कि एक बार के जो है इजैकुलेशन के सीमेंस के अंदर 15 करोड़ की संख्या आती है। अब ये भी आज घट रही है क्योंकि हमें लोग पिज्जा ने, पास्ता ने, पाव वड़ा ने, या मैं दिवाली में आप देखिए खाजा ने, फाफड़ा ने, मैदानी चीजों अने तलेली चीज, एनु नाम दिवाली। आवु थई गयु छे मैक्सिमम मैदानी चीजों, मैक्सिमम जे छे बिल्कुल तलेली चीजो, बस नाना पाछा मैं शू के काका अहमदाबाद में सांभळ्युं छे तमे दिवाली में रोटली न खवाय, एवं बोल दिवाली में रोटली खवाती हसे कि दिवाली में न खवाय सबने। अब ऐसी ऐसी बातें जिनके भगवान 24वें तीर्थंकर निर्वाण पाके मोक्ष में गए, और वो समाज अगर ऐसी बात करे तमने भगवान ना गया नो दुख रहसे जे नथी। तुम्हारा घर में तुम्हारा पत्नी गुजरी जाए के पति गुजरी जाए, बाप के बेटो गुजरे तो दुख थाय, बाकी कई भगवान नहीं आते सुने, ये तो भगवान हता साहब आपने सुन लेवा दे, आपकी मानसिकता वहां जाकर रुक जाती है, बस तकलीफ है। अब इन दिनों के अंदर अगर ऐसी वस्तु खाई जाए तो जिसमें से प्रोटीन ही नहीं बन सकता है, लास्ट में जाते उससे स्पर्म्स कभी बन ही नहीं, प्रोटीन नहीं बचे बनेगा तो स्पर्म्स का भी आप बिल्कुल जो है एनालिसिस करिए तो प्रोटीन परसेंटेज उसमें हाई है, और तब जा कर के वो जीव उसमें रहेगा। लेकिन बस उसकी यात्रा है कितने साल, 10 मिनट की यात्रा नहीं है,
when it comes out in the vagina, अब उसको जो है कितनी देर जीना है, कितना उसका आयुष्य, अब उसका भी आयुष्य देखिए, तो उसको तो मरना है। 15 करोड़ में से कोई एक दो बचे तो बचे, बाकी मरना है। तो ये पूरे जीवन के अंदर, पूरे जीवों के क्रम में कितना बड़े प्रमाण में चल। अब स्त्री और पुरुष की दोनों की शरीर इतना ही अलग है। स्त्री शरीर की रचना ये है कि वो जन्म जात जितने लेकर आती है उतने ही है, एक भी कोई बीज बढ़ने वाला नहीं है, घटना ही है। और पुरुष के शरीर की समस्या ये है कि रोज ही बढ़ेंगे। देयर आर द टू टेस्टिकल्स, और उसके अंदर दोनों के अंदर जो है सीमेंस तो बढ़ने ही वाला। अब स्त्री शरीर में भी दो वहां पर जो है ग्लैंड्स है, ओवरीज है, नाम अलग है, लेकिन वहां पर जो जन्म जात है वही है, में से घटते घटते घट जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन अब नहीं बढ़ेगी। हमारे लिए समाज में ये चीजें लोग जानते थे, और इसलिए पुराने प्राचीन काल के लोग जल्दी शादी करते थे, अब आज उल्टे हैं। अब 32 के बाद तो अवे के अवे शोधवा जस हो गए, एने पहला जैसे ग्रेजुएशन करियो, डबल ग्रेजुएशन थई गयो, जॉब करी ली, तो अवे 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 शोध હવે શોધવા જતા 2 વર્ષ બાટાના બૂટ ઘસાય, ત્યાં 30 ને 32 થાય છે। અબ યે સમસ્યા જો હે એબનોર્મલિટી જ્યાદા હે। અબ જબ જો હે સ્ત્રી બીજ સમાપ્ત હોને કી દિશા હે, તબ જાકર આપ ઉસકી શાદી કરાતે, તબ જાકર કે સમસ્યા કટે। અબ એસી સ્થિતિ મે યહાં પર આપ આયુષ્ય દેખિયે કે કિસકા આયુષ્ય કિતના। अब ये जो हमने 84 लाख का डिवीजन कर दिया, पहले 7 लाख शिक्षकों का काम आता वर्ष से मोटा आचार्य बना लाख तैयार, अब उसमें बोलो गणित कराओ साहब, 7 लाख आखुद जैसे 13 डिवीजन के अंदर 7 लाख का विभाग किया खेलाएगा। अब वो 7 7 7 7 चार बार आ गया तो 28 हो गए, पृथ्वी पानी अग्नि वायु। अब 14 और 10 के दो विभाग में वनस्पति डिवाइड कर दिए, 24 ही हो गए, 28 और 24 इसका हिसाब कर लो। अब उसके बाद 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय के 2 2 लाख, 4 इंद्रिय के बाद 5 इंद्रिय में जाओ तो वहां पर 4 4 लाख देवता, 4 लाख नार के, 4 लाख तिरेंद्र। अब बचे कौन, सबसे मैक्सिमम में वेरिएशन जो है वो मनुष्य। 14 लाख के फिगर में एक तो साधारण वनस्पति का है और एक मनुष्य दो ही। કાકા બહુ મોટું ગણિત છે, વર્ણ ગંધ રસ સ્પર્શ વગેરેની સાથે એનું કેલ્ક્યુલેશન કરીને ગણિત કરતા જાઓ કરતા જાઓ કરતા જાઓ, એના ઉપર જ ભેદ છે। ચાઇનીઝ ફેસ ઈ અલગ દિખતા હૈ, અફ્રિકન ટોટલ અલગ દેખેગા, ઇન્ડિયન ટોટલ અલગ દેખેગા, રાજસ્થાની અલગ દેખેંગે, બનાસકાંઠાના અલગ દેખાશે, અને એક એક દિશા કે સવાલ। તો યે જો વેરિએશન હૈ વો કિસકે કારણે, કચ્છના કારણે કોઈ કચ્છી આવા થાય એમ નહીં, લેકિન કચ્છ પ્રદેશ કી જનતા એસી। ઇધર જાઓ તો સૌરાષ્ટ્ર કે એસે હોંગે, ઇધર જાઓ તો ઝાલાવાડ કે એસે હોંગે, ઇધર જાઓ તો ભોગારી અલગ પ્રકાર કે, સબ કે લિયે અલગ અલગ વેરિએશન કા મતલબ યે ઇસકે અંદર પરસેન્ટેજ કમ જ્યાદા હોતે હૈ। વર્ણ ગંધ રસ સ્પર્શ, અબ આપકે વર્ણ કા કલર ભેદ હૈ કે ઇસકા હૈ। आप वहाँ पर जाओगे, कहाँ जाओगे, बिल्कुल नॉर्दर्न एरिया में जाओगे तो वहाँ पर स्किन कलर सबका फेयर होगा। चाइना से भी चले जाओ, रशिया में भी चले जाओ, यूएस में चले जाओ, जापान में, जर्मनी में चले जाओ, तो वहाँ के स्किन कलर अलग। लेकिन इंडिया इज़ द कॉन्टिनेंटल, जब आप देखोगे एक्सिस पर तो एक्सिस कौन सी लग रही है साहब, वहाँ टेम्परेचर के। तो इसका ये प्रूफ है कि इंडियन बॉडी के अंदर कैल्शियम के परसेंटेज हाई होते हैं, ख्याल है कि नहीं, और वहां के लोगों के अंदर कैल्शियम के परसेंटेज कम होते हैं, इसलिए चाइनीज जापानी लोगों की हाइट भी कम होती है, आप ध्यान रखें। अब ऐसी स्थिति के अंदर वो शरीर विषय है तो वो जाएगा नाम कर्म के घर में जाएगा, एक एक महीनों लागे नाम कर्म समझ हुए तो, शरीर कैसे बनता है, शरीर रचना कैसे। 45 आगम शास्त्रों के अंदर एक है राय पसेनी, तो राय पसेनी के अंदर भी आपको शरीर रचना 9.5 महीने में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अंदर क्या रचना हो रही, न माँ को पता है न बाप को,
दीकरो आंधळो थशे के मूंगो बेरो थशे, माने साढ़ा नौ महीना सुधी खबर न पड़े ते न पड़े। और कोई दुनिया का ऐसा कोई इक्विपमेंट साधन नहीं, आप सोनोग्राफी कराओ के हमारे ही करो, आ छोकरू बोलतू थशे के नहीं थाय, कोई गारंटी कोई नहीं दे, सवाल ही नहीं करो। अब केवली के पास तो केवल ज्ञान के हिसाब से उनका ज्ञान दर्ज है, वो अलग है, तो उसके सबके कर्म है, इधर दर्शनावरणीय कर्म, इधर ज्ञानावरणीय कर्म, सबके कर्म अलग अलग। जैन धर्म में सौथी पहलू जो कोई अभ्यास करवा जेवु है तो कर्मशास्त्र नो अभ्यास करना। कर्मशास्त्र इज नथिंग बट जस्ट लाइक द मिरर ऑफ अवर लाइफ। आपने आपनु जीवन से छे ये रोज जीने आरी समय जुओ ने तमने खबर पड़े एवं आ शास्त्र, आप खुद ही देख सकते हो, खुद ही समझ सकते। अब कैसे देखोगे कि मेरा आयुष्य कितना है, मैं कितना आयुष्य लेकर के आया, मैं कितने वर्षों तक जीवन जीने वाला। पहले इधर ध्यान से समझे, आयुष्य जेटलो लेने आव्या छो पण जीवशो केटलो, जेटलो आयुष्य लावे एटलो जीवशो। श्रीमंदर स्वामी को प्रश्न पूछा जा रहा है, भगवान आ संसार में केटला केवा जीवो छे, केटला जीवो एवा छे के जे जेटलो आयुष्य लेने आवता हो एटलो पूरे पूरे जीवता। पहले तुमने सुन छे के पहले ज्यां सुधी प्रश्न नहीं समझाए त्यां सुधी बात नहीं। बोलो काका सु प्रश्न सु करियो। તમે એમ નહીં કરો, બોલો પ્રશ્ન કોઈ ગયો છે પ્રશ્ન નહીં સમજો, બોલો આ જગતમાં કેટલા જીવો એવા છે કે જેટલું આયુષ્ય લઈને આવ્યા હોય પૂરેપૂરું ભોગવી શકે? જે જીવો જેટલું આયુષ્ય લઈને આવ્યા છે એ પૂરેપૂરું જીવી શકે એવા કેટલા જીવો, બોલો કેમ ભાઈ શું વાંધો છે જીવામાં? લઈને તો આવ્યા છો ને આ દુનિયામાં, તમે રોજના ઘેટા બકરા જુઓ છો, ગાય ભેંસ જુઓ છો, કૂતરા બિલાડા જુઓ છો, મક્ખી મચ્છર આપ દેખ રહે આ દુનિયા મેં, વો ભી અપના આયુષ્ય તો લેકે આયે। હિન્દુ ધર્મ કી માન્યતા અલગ હૈ, वो कहते हैं कि जीव जब जाता है जन्म लेने तब ईश्वर उसको अपनी तरफ से चिट्ठी देता है कि ले बेटा जा इतने बरस जीना से, वो उन्होंने ईश्वर के हाथ में बैठा दिए बात। महावीर स्वामी ने कहा कि भाई ईश्वर ईश्वर की किसी की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अब भावी महावीर स्वामी भगवान मोक्ष में चले गए, 24 तीर्थंकर मोक्ष में चले गए, आपकी व्यवस्था कौन करेगा और किसको जरूर है आपकी व्यवस्था करने की? तो क्या महावीर स्वामी मोक्ष में से वापिस आएंगे? ના ના સાહેબ, 24 ભગવાન છે ને સાહેબ, આવે તો અમારા રાજસ્થાનીઓની વ્યવસ્થા મહાવીર સ્વામી કરે અને ગુજરાતીઓની વ્યવસ્થા પાર્શ્વનાથ કરે, ને પછી એ ક્યાં આવે છે બાંટો કે મારે એસે ભગવાન આયંગે ક્યાં ઉપર છે? ભગવાન મોક્ષમાં ગયા પછી કોઈ આવતા નથી, કોઈને આવવાની જરૂરત જ નથી, ભગવાન કે શું કરવા આવું? દરેકનું પોતપોતાનું કર્મ છે, એના કર્મ પ્રમાણે એ ખુદ જ પોતે જ વ્યવસ્થા કરશે, એને કંઈ જરૂર નથી। जब आप गर्भ में भी थे, गर्भ में तो आँख खोली नहीं थी, 9.5 महीने तो आपने आँख भी नहीं खोली थी, ऊंधे मुँह लटक रहे थे, तो आपको क्या पता था? लेकिन अंदर गर्भ में आराम से सोते हुए 9.5 महीने तक एक एक अंग की रचना व्यवस्थित होती गई, बहुत व्यवस्थित होती गई। टाइम तो लगा, 9.5 महीने लगेंगे तो ही शरीर की रचना पूरी होगी। માણસ ને જ લાગે છે 9.5 મહિના, એમ નહીં સમજતા ગાય ભેંસ ને પણ 9.5 મહિના લાગે છે, એક ગાય કો ભી 9.5 મહિને લગતા હૈ, ભેંસ કો થોડે ઓર જ્યાદા લગે। શરીર આખી ઇતના બડા શરીર તો બનાના પડેગા કે નહીં? ખાને કા ખેલ કે મશીન મેં ડાલ દિયા કે ડાઈ પંચ હોકે આ જાયેગી, એસા તો હૈ નહીં। શરીર તો જીવ કો ખુદ કો હી બનાના હૈ, કરતા તો જીવ હી હૈ, માત્ર કર્મ કારણીભૂત નિમિત્ત હૈ। अब शरीर बनाने का काम दूसरे नाम कर्म वगैरह करते रहेंगे, आयुष्य कर्म को बनाना कुछ भी नहीं है, सिर्फ चलाना है। क्या चलाना है? चलाऊ सोचे ने जीवन
આ શરીર ચલાવવાનું છે, નામ કર્મે જે શરીર બનાવી આપ્યું છે એને ચલાવવાનું કામ આયુષ્યનું છે. એ સામાન્ય કામ નહીં હે. જન્મ સે લેકર કે મૃત્યુ તક આપકા ટેમ્પરેચર ગિરના નહીં ચાહીએ, આપકા શ્વાસોશ્વાસ રુકના નહીં ચાહીએ. આપ સોતે રહો કે ભાગતે રહો કે જો ભી કુછ કરતે રહો, લેકિન શ્વાસ રુકેંગે નહીં, અખંડ ધારા મેં જીવન ચલતા રહેગા. યે કામ આયુષ્ય કર્મ કા છે. યે કામ શરીર બનાને કા કામ આ નામ કર્મને બના દિયા. ચલો ભાઈ ક્યા હો ગયા, શ્વાસ નલી હો ગઈ, અન્ન નલી હો ગઈ, આપકા શરીર બન ગયા હૈ, બસ એસી સ્થિતિ મેં યે સબ હો જાતા હૈ. શ્વાસોશ્વાસ શરૂ હો જાય, આપકી હાર્ટ પંપિંગ શરૂ હો જાયગી. જીતના એક તરફ સે જો હૈ આહાર કા રોલ હૈ, દૂસરી તરફ સે ઓક્સિજન કા રોલ ભી ઉતના હી ઇમ્પોર્ટન્ટ હૈ, ઉતના હી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓર સબકો ચાહીએ, સબકે લિયે અનિવાર્યતા. અબ યે કર્મ હૈ, ઇધર એક યે જીવ આયા ગર્ભ મેં. અબ યે ગર્ભ મેં આયા તો યે ઇસકા આયુષ્ય સાથ મેં પિછલે જન્મ મેં જો બાંધા થા વો લેકે આ રહા હૈ. મહાવીર સ્વામી કહાં સે આયે, દસમે પ્રાણત દેવલોક સે આયે. वहां से मरने के पहले उन्होंने अपना अगले जन्म का आयुष्य बांध लिया, तब वो आए. त्या सुधी जीव आवता भवनु आयुष्य न बांधे, त्या सुधी आ शरीर न छोड़े. बोलो बोलो, अब जी बोलिए तो परमिशन है, मतलब बोले आप, नहीं बोले तो मुझे और कोई नहीं. बोलो हिमाजी जाने के बोलो. અબર માજે બોલે જતલો બોલો ની સા યુ કી કરા જ્યાં સુધી જીવ નવું આયુષ્ય બાંધે જ નહીં ત્યાં સુધી મરે જ નહીં. આ શરીર જ નહીં છૂટે. આ પહેલે જ્યાં જાના હૈ વહાં કા આયુષ્ય બાંધો, ફિર યે શરીર છોડો, નહીં તક નહીં છોડો. આપ તરફડતે રહો, એક્સિડેન્ટ હો ગયા હૈ તરફડો, ખૂન જાતા હૈ જાને દો, આપકો જો કરના હૈ કરો. દો મિનિટ લગે કે આધી મિનિટ લગે કે એક મિનિટ લગે, પહેલે નયા આયુષ્ય જ્યાં જાના હૈ ઉસકા આયુષ્ય બાંધો, ફિર યે શરીર છોડો. અબ એક્સિડેન્ટ કિતને ફાસ્ટ હોતે હૈ, એક્સિડેન્ટ હોને મેં કોઈ કલા થોડી લગતા હૈ, એક મિનિટ ભી નહીં લગતી હૈ, બસ કુછ સેકન્ડો મેં હી હો જાતા હૈ એક્સિડેન્ટ. એટલે ઉસમેં આપ જબ શરીર કે હાથ પેર ટૂટેંગે, कुछ भी हो, चलो हाथ पैर टूटेंगे तो भी बच जाएगा, हार्ट के ऊपर असर नहीं आने. जब तक आपका हार्ट बचा हुआ है, हार्ट की पंपिंग चल रही है, वहां तक आपका आयुष्य नहीं टूटा है. अब आपको कोई बचा ले तो बात अलग है, नहीं तो फिर आयुष्य तो उसके पहले नया बांधोगे तो जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे. अब पिछला जन्म का आयुष्य आपका कितना था और अगले जन्म में आप कितना बरस जीने का आयुष्य बांधोगे, કોઈ ની સાથે કઈ સંબંધ નથી. જૂના આયુષ્ય જેટલું જ નવું બંધાય એવો કોઈ નિયમ નથી. પિછલે ભવ કા થા તો જીતના થા, મહાવીર સ્વામી દસમે દેવલોક કે અંદર 20 સાગરો કે ઓર 20 સાગરો કો લેકે ઇસ મનુષ્ય જન્મ મેં થોડી આ સકતે થા, સવાલ હી નહીં ખડા હોતા હૈ. ઓર વો ભી જબ ચોથે આરે કે એન્ડ મેં આના હૈ તો 72 બરસ કા હી રહેગા. અગલી 24 મેં ફિર વાપસ 24મે ભગવાન આયેંગે તબ ફિર ઉનકો ભી 72 બરસ કા હી આયુષ્ય લેકે આના. પાછી અવસર પીણી આવશે ત્યારે ફરી 24માં ભગવાન થશે. એ પણ પાંચે ભરત અને પાંચે ઐરાવતમાં 10-10 ભગવાનો, જ્યારે અવસર પીણીના છેલ્લા કાલમાં 24માં ભગવાન થશે ત્યારે 72 વર્ષનું લઈને આવશે. હવે સિસ્ટમ સમજ લો પહેલે. ઓર યે સિસ્ટમ કેસી હૈ, પરમાનન્ટ સિસ્ટમ હો ગઈ, કાયમ વાસ્તે છે. इसी तरह से तीसरे आर्य में जो पहले भगवान बंद करके आएंगे उनको 84 लाख पूर्व का ही लेना. अब वो आएंगे तो 84 लाख का ही लेना. महाविद्य में कोई पण आवे तो वे सब 84 लाख. आप एक परमानेंट समझो. परमानेंट सिस्टम कैसी है, कैसे चलती है, ये विशेषता है. अब हम यहाँ पर आ जाए, हमने भी तो हम हमारा आयुष्य लेकर ही आए. हर एक जीव के लिए नियम है, आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, चींटी मकोड़े के लिए है,
एकेंद्रीय जीव के लिए, पृथ्वी वायु वनस्पति के लिए, पेड़ के ऊपर एक आम लगता है उसके लिए नहीं। इसलिए हम यहाँ पर जब भी बात करेंगे तो आयुष्य कर्म की बात सब जीवों, क्योंकि केवल ज्ञानी ने सब जीवों का, पूरे संसार के समस्त जीवों का देख करके नियम बताया, तो आप सबकी बात करें। और ये दुनिया में किसी धर्म ने नहीं स्वीकारा। पृथ्वी पानी वायु वनस्पति में जीवज नहीं मानता, हिंदुओं नहीं मानता, तो आयुष्य नहीं बात क्या कर सकते, तो जीव ही नहीं मानते उनको। पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति कोई जीव नहीं है। और महावीर स्वामी ने सब में जीव कह दिया, एक पानी ना टीपा में असंख्य जीव कह, एक पानी की बूंद में असंख्य जीव। अब आप 100 किलो समझे के लिए, एक लहसुन की इतनी छोटी सी कली के अंदर एक साथ में अनंत जीव। अब इतने अनंत जीव इकट्ठे होकर एक शरीर में आएंगे तो सबका आयुष्य कॉमन रूप से एक शरीर का, सबको एक साथ जीना है, सबको एक साथ मरना है। हमारे यहाँ एक साथ में नहीं होगा। बाप कब मरेंगे, बेटे कब मरेंगे, भाई कब मरेंगे, चार दिख रहा अच्छे ने, भले ट्विंस तरीके साथे जन्मे पर साथे मरे नहीं। आप ध्यान दीजिए, अब दो बच्चे साथ में जन्म सकते हैं, तीन बच्चे साथ में जन्म सकते हैं, वो अलग बात है। जन्म लेना, एक माता के गर्भ में एक साथ में दो तीन आ गए तो साथ में जन्मेंगे, इसमें दो रमत नहीं है। लेकिन जीव अलग अलग है। अब आयुष्य कर्म सबका अलग अलग है, कौन कितने बरस जिएगा, कौन कितना जिएगा। ट्विंस होने पर भी एक जितना जल्दी मरता है दूसरा उतना लंबे काल के काल, ऐसा तो संसार के अंदर बहुत देखा जाता है। क्यों देखा जाता है ऐसा, भाई जीव स्वतंत्र है, आयुष्य कर्म अलग अलग है। आए थे साथ में, जन्मे साथ में, एक गर्भ में रहे साथ में, अब दोनों ने अपना शरीर बनाया है, तीनों ने अपना शरीर बनाया है, लेकिन आयुष्य अलग। कोई जन्मता मरी जाए, कोई जन्म्या पछी थोड़ी बार में मरी जाए, ने कोई वर्षों सुधी, हमेशा ही देखो, एक कुत्ती हमेशा 5-7-10 बच्चों को जन्म देती है। कुतरा नहीं, अंदर एक जन्म था एक वक्त, ये संभावना बहु ऊंची है। ले वधु ने वधु जैसे मैक्सिमम कुतराओं में जैसे 5-7-10 बच्चा जन्मे, एक चूहा कितना छोटा है लेकिन 4-5 बच्चे पैदा हो। अब कौन कितना जिएगा साहब, कौन कैसा जीवन जिएगा, कितने दिन रहेगा साहब और कितने दिन में मरेगा साहब, कोई सबका अलग अलग, सब जीव ही अलग अलग है, आए ही स्वतंत्र रूप से अलग अलग आए। भले एक साथ में पल रहे हैं, एक साथ में जी रहे हैं, एक साथ में डिलीवरी होगी, एक साथ में 5-7 बच्चे साथ में जन्मेंगे, लेकिन कर्म अलग अलग। अब उस हिसाब से उनको जीवन जीना है और सबको वैसा जीवन। अब कर्म बाद में, सब कर्म अलग अलग है, पहले भी सभी कर्म अलग अलग। अब इन कर्मों के अंदर एक कर्म का विभाग हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, आयुष्य कर्म के। अब आयुष्य कर्म चालू किया है वैशाली, थोड़े दिन तक समझ लो, क्या लें थोड़े दिन तक समझ लेना है, थोड़ा दिन और बाकी है। कर्म का स्वरूप कैसे समझ में आ जाए, फिर इसके अंदर बांधने की प्रक्रिया है, चलने की प्रक्रिया है, टूटने की प्रक्रिया है, घटने की प्रक्रिया है, अलग अलग प्रकार के जो आयुष्य है उसका विभाग थोड़े दिन के लिए समझ। चावी
सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनं श्री आनंद 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 श्री आनंद